जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अबूबकर नाम है, मोहम्मद अबूबकर। अच्छा, मुझे ये बताया कि आप यहाँ पे प्राइवेट कोई बाइकिया कंपनी चला रहे हैं? जी सर, मैं बाइकिया की कंपनी से यहाँ पे काम करता हूँ, आगे बाइकों को प्रमोट करता हूँ। अच्छा, ये बताया कि आप जो बाइकिया इस वक्त चला रहे हैं वो ऑनलाइन आते हैं या आप मौके पर जो है वो सवारी ले लेते हैं? ऑनलाइन भी आते हैं। ऑनलाइन में ये है कि हमें 20% कमीशन देनी पड़ती है, जिससे हमारे अखराज पूरे नहीं होते, मजबूरन हमें प्राइवेट सवारी करनी पड़ती है, जिससे हम सोचते हैं कि चलो कमीशन बचा के हम अपना प्राइवेट तौर पे कोई ना कोई घर का सर्कल चला सके। कंपनी को इस चीज़ का पता? कंपनी को इस चीज़ का पता है कि लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं, हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद में इस चीज़ के ऊपर एक्शन भी हो चुका है, लेकिन क्या करें, 10 रुपये किलोमीटर में इंसान का क्या बनता है? 10 किलोमीटर पर 100 रुपये कंपनी दे रही है और 20 रुपये खुद भी रख रही है, 80 रुपये में कौन जाएगा? कौन बेवकूफ़ है कि 240 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा के और 10 रुपये किलोमीटर की राइड करेगा? कोई बेवकूफ़ है यहाँ? तो पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं तो कंपनी ने अपने आप लोगों के कमीशन में या इजाफा नहीं किया? कंपनी ने 8.5 रुपये से 10 रुपये कर दिया, पहले 8.5 रुपये किलोमीटर था, अब 10 रुपये किलोमीटर है, इसमें हम क्या कर सकते? कोई बचत नहीं मिल रही सर, आप खुद अंदाजा लगाएं। अगर आपको मैं कहूँ सर मुझे बाइक पर बैठा के 10 किलोमीटर छोड़ के मैं आपको 80 रुपये दे देता हूँ, आप कहेंगे जा कम कर जाके, मैं 240 रुपये लीटर पेट्रोल वो है भाई, पागल है, हम पागल हैं। तो आप लोगों को कोई एहतजाज नहीं तो कम से कम अपना पैगाम तो पहुँचाएं सारे इकट्ठे होके। सर हम अपना पैगाम जितना मर्जी पहुँचा लें, कंपनी है, कंपनी कहती है अगर करना है करो, हमें कोई प्रॉब्लम डिमांड नहीं किया, कंपनी से डिमांड करते हैं, कंपनी कहती है जी 10 रुपये किलोमीटर फिर बहुत फेयर है, आप जा सकते हो। ब्लैकमेलिंग सिचुएशन है? ब्लैकमेलिंग सिचुएशन है, सारी बात है, रोज़गार तो है नहीं है, एक रोज़गार मिला हुआ है, अब वो भी अपनी मर्जी से करना पड़ रहा, क्या कर सकते हैं? अगर कंपनी ने कोई आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तो? कानूनी कार्रवाई कैसे करेगी, हमारे पास आईडी है, हमारे पास ऑनलाइन खड़े भी हुए हैं हम, लेकिन ऑनलाइन डाटा उसी साइड पर जाएंगे ना जिस टाइम हमें पता हो यार हम इधर थोड़े बहुत पैसे बचेंगे, अब मैंने यहाँ से डिफेंस जाना है या फेज 5 जाना है, कंपनी दे रही 200-250 रुपया, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि 30 किलोमीटर सफ़र करके आऊँ और 250-300 कमा के लेके आऊँ? और बाइक मेंटेनेंस भी होती होगी? सारी बात है, बाइक पे मेंटेनेंस है, उसकी फ्यूल है, इंजन ऑयल है, सब कुछ है, नहीं पूरा होता। पैगाम दें कंपनी को? सर कंपनी को यही पैगाम है कि खरीदारा कि अपना रेट थोड़ा सा मार्कअप बढ़ाएं, ठीक है, जिससे कस्टमर को तो आप रिलीफ दे रहे हो, कम से कम जो राइडर जो सारा दिन धूप में सड़ते हैं उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए।